हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं, न्यू वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर दीपावली की लग रही है मेहंदी, बेटी लगवा रही है पहले, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ इतना, जैसे बेटी की सूख जाएगी तो ये पहले लगवा लेती है। तो बेटी की मेहंदी पूरी लग चुकी है, कितनी अच्छी सी लगाई है उसने, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है और बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है। तो बेटी की पूरी मेहंदी हो गई है और अब सूखने भी लगी है। उसके बाद जैसे मैं बेटी ने लगवा ली थी तो उसके बाद लगवा रही हूँ मैं। जैसे मेरा नंबर आ गया था तो मैं लगवा लेती हूँ, यहीं घर पर लगवाने के लिए बुलाई थी तो यहीं पर लगा के जाती है। दीपावली जैसे करवा चौथ पर भी हमने यहीं पर लगवाई थी और दीपावली पर भी हमने यहीं बुला ली थी तो यहीं पर लगा रहे हैं। जैसे मैं दोनों हाथों में नहीं लगवाती हूँ क्योंकि फिर काम रुक जाता है, तो काम नहीं हुआ अभी मेरा। दोपहर का खाना पीना तो हो गया है सब, पहले बेटी ने लगवाई, इतने मैंने खाना पीना सब सबको खिला दिया था बना के। तो अब जैसे एक हाथ में भी लगवाऊँगी, एक हाथ खाली रखूँगी क्योंकि फिर शाम को थोड़ी बहुत मेरे से लगेगी तो मैं लगा लूँगी। बेटी का दोनों हाथों में लगवा दी है उसने, दोनों हाथों में लगवा ली है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा शौक होता है, तो मैं एक हाथ में ही लगवाऊँगी। जैसे अंदर तो हाथ को लग गई है, अब लगा रही है बाहर, तो बाहर भी लग जाती है। जैसे मेहंदी लगाते लगाते ही साथ में, गर्मियों में जैसे यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो साथ में ही सूख जाती है, गर्मी हो तो वैसे भी सूख जाती है मेहंदी साथ साथ में। मेहंदी लगवाने के बाद हाथ बहुत सुंदर लगता है, जैसे हम लगवा लेते हैं फिर उतरती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, जैसे हल्की हल्की सी रह जाती है। तो पीछे हाथ पर भी ज़्यादातर हो गई है मेरी, थोड़ी सी रही है तो ये भी लगा देती है। ये है पैर, मेहंदी मंडवाई थी उसी दिन शाम की, जैसे मैंने शाम को फिर मैं आ गई थी किचन में, तो आज बनाने हैं पेड़े और पेड़े बना रही हूँ मैं मिल्क पाउडर से, जैसे मिल्क पाउडर होता है उससे बना रही हूँ। तो कैसे बनाती हूँ मैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और पेड़े बन के बहुत अच्छे तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने, जैसे घी डाला 2 चम्मच, घी जैसे अच्छे से तप गया था उसके बाद मैंने गैस को कर दिया बंद। बंद करने के बाद इसमें 1 कप मैंने दूध डाल दिया है और ये दूसरा कप डाल दिया, 2 चम्मच इसमें मैंने घी डाला था तो 2 कप मैंने डाल दिया है इसमें दूध। और उसके बाद मैंने गैस को कर दिया है ऑफ, क्योंकि गैस चलता रहेगा तो फिर मिल्क पाउडर डालूंगी तो फिर उसमें गांठे गांठे से बन जाएंगी, लम्प्स बन जाते हैं। तो ये जैसे 2 कप मैंने दूध लिया है, इसमें 4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है इसमें, और थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं जैसे चम्मच से अच्छे से इसको फेंट दूंगी, जैसे गांठे नहीं बनती हैं, जैसे लम्प्स नहीं आए। ज़्यादा गर्म दूध होता है तो उसमें तुरंत डालते ही गांठे गांठे से बन जाती हैं, फिर वो मेल्ट नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके गैस को पहले ही बंद कर दिया था। घी जैसे तप गया था उसके बाद मैंने दूध डाला, दूध डालने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया है। तो अब जैसे ही एक भी इसमें गांठे नहीं हैं बिल्कुल भी, सारा अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है दूध में, मिल्क पाउडर है उसको, और अब गैस मैंने चला लिया है, गैस मैंने फुल रखा है अभी, और इसको जैसे चलाते रहेंगे, इसको बीच में छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो नीचे लगने लगता है क्योंकि
मिल्क पाउडर डाला है तो ज़्यादा जल्दी गाढ़ा होता है, जैसे खोआ निकालते हैं उसका, तो धीरे धीरे करके हम गैस को सिम भी कर देते हैं, धीरे धीरे निकलता रहता है, पर इसको हम फुल पर ही पकाएंगे क्योंकि दूध के अंदर डाला है मैंने, तो गाढ़ा होने लगा है। 5 मिनट हुई है मैंने इसको पकाते पकाते, और पेड़ बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने बने हैं, बहुत अच्छे बने थे दिखने में भी, खाने में भी। तो ये गाढ़ा होने लगा है। अब इसके खोआ के तरीके से करना है, जैसे खोआ हम गाढ़ा करते हैं वैसा ही इसको करना है। इसमें न तो जैसे चाशनी डालनी है, न कुछ और मावा डालना, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसी से बनाऊंगी, मिल्क पाउडर से और दूध से। बिल्कुल भी नीचे नीचे पकड़ा, जैसे मैंने घी डाल दिया था उससे चिकनाई हो गई थी, तो मैंने और घी भी नहीं डाला है, डालने की जरूरत पड़ेगी तो डालेंगे। अभी तो इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाता है इसमें, और 10 मिनट में बन के ही तैयार हो जाती हैं पेड़े इस तरीके से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो 2 सेकंड के लिए और चलाऊंगी मैं इसको, बिल्कुल गाढ़ा होने लगा, खोआ जैसा हो गया है। तो गैस को कर दिया मैंने ऑफ, जैसे ही गाढ़ा होने लगा और नीचे लिया उतारा, अभी भी इसको चलाती रहूंगी क्योंकि नीचे लग जाएगा अभी भी, तो थोड़ा सा इसको 2 सेकंड के लिए और चला देती हूँ, थोड़ा सा इसकी तली है वो ठंडी हो जाए। तो मैंने 10-15-20 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, अभी इसमें मैंने कुछ भी मीठा नहीं डाला है, तो मीठा डालूंगी अब। जैसे 2 कप दूध का था और 4 कप इसमें मिल्क पाउडर था, उसके बाद 1 कप 1/4 जैसे डालना है, तो 4 कप दूध में और 2 मिल्क पाउडर में, सॉरी मिल्क पाउडर मैंने 4 कप लिया था, उसमें 1 कप मीठा डलेगा, तो एक चीनी पीस के मैंने उसका पाउडर बना के 1 कप इसमें डाला है और अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। तो जैसे खोआ का बनता है वैसा ही बन गया है, क्योंकि दूध ही ये है, और कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, इतने मुलायम बने, इतने टेस्टी बने हैं, और ऊपर से मैंने लगा दिए हैं जैसे बादाम काट के रखे थे वो, और मैंने ज़्यादा गोल वाला शेप भी नहीं दिया और वो भी नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसको हाथ से बना के, और थोड़ा सा मैंने जैसे चीनी पीस के रखा था उसको रख लिया है, जैसे हाथ के बिल्कुल भी नहीं चिपके, तो थोड़ा सा ऊपर लगा देती हूँ, उसके बाद बना के इसको रख देती हूँ, और साथ में लगा देती हूँ बादाम। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसको ट्राई करके देखेंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं, जैसे हम हलवाई से लाते हैं उससे भी टेस्टी बन के तैयार हुए हैं, और 10 मिनट का टाइम लगता है बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मेरे पेड़े बन के हो गए हैं तैयार, जैसे वीडियो कट गई थी मैंने लास्ट में, जैसे पूरी प्लेट की बनाई थी तो बीच में फिर ये रह गए थे, फिर मैंने इसकी बनाई जो अलग रखे थे उसकी बनाई है, ये बची है और कट गई थी बीच में।